नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिकी उद्योगपति और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान स्टारशिप ने आज एक इतिहास बनाया। 9 विफल लैंडिंग प्रयासों के बाद आज यानी कि 4 मार्च को उसकी सफल लैंडिंग हुई, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही SN10 में विस्फोट हो गया। स्टारशिप SN10 रॉकेट ने बेहतरीन उड़ान भरी, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, लेकिन सफल लैंडिंग के कुछ मिनटों के बाद ही ये फट गया। स्पेस एक्स के स्टारशिप SN10 ने 4 मार्च को दक्षिण टेक्सास के बोका चिका गांव के पास स्थित स्पेस एक्स के टेस्ट फ्लाइट सेंटर से उड़ान भरी। 165 फीट ऊंचे रॉकेट ने शानदार टेक ऑफ किया, 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद उसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना था, यानी हवाई जहाज की तरह मुड़ना था, वो भी धरती के वायुमंडल के ऊपर। हॉरिजॉन्टल फ्लिप तो सही गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। उसने उसी स्थिति में वायुमंडल में प्रवेश भी किया। स्टारशिप SN10 की वर्टिकल लैंडिंग भी सफल रही, लेकिन लॉन्चिंग के 14.45 मिनट के बाद ही वो बड़े से आग के गोले में बदल गया। यह हादसा ठीक वैसे ही हुआ जैसे स्टारशिप SN9 के साथ 2 फरवरी को और SN8 के साथ 9 दिसंबर 2020 को हुआ था। SpaceX के स्टारशिप SN10 प्रोजेक्ट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन इंजीनियर जॉन इंसप्रकर ने इस घटना के बारे में कहा है कि हमने SN9 से सीखा, लैंडिंग में सफलता हासिल की, लेकिन बाद में हुए विस्फोट की जांच चल रही है। स्टारशिप SN10 ने अच्छा टेक ऑफ किया, इस बार ज्यादा दूरी तक गया, फ्लिपिंग अच्छी थी, लेकिन लैंडिंग के बाद क्या हुआ ये जांच का विषय है। हमारी पूरी टीम इस समय ये पता कर रही है कि आखिर सफल लैंडिंग के कुछ समय के बाद ये क्यों फटा। जॉन ने बताया है कि इस बार के ट्रायल से हमें कई अच्छे डेटा मिले हैं, हमने सब सोनिक री एंट्री में सफलता पाई, सफल लैंडिंग भी कर ली। SpaceX का स्टारशिप SN8 रॉकेट लोगों को सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा पर ले जाने के लिए बनाया जा रहा है। ये एस्ट्रोनॉट्स को चांद, मंगल समेत कई अन्य ग्रहों की सैर कराएगा। इलॉन मस्क ने कहा है कि हमारी टीम इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा क्यों हुआ, हम इस समस्या का समाधान करने में लगे हैं ताकि अगले ट्रायल में इस तरह की गलतियां ना हो। अगला स्टारशिप जल्द ही लॉन्च पैड पर सबके सामने आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।